नमस्कार, स्वागत है आपका नादी टीवी के इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं पूनम। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की खबर के साथ। इस वक्त की खबर हमें मिल रही है भोपाल से। कमलनाथ ने वचन पत्र समिति की बैठक ली है, अपने निवास पर सदस्यों के साथ समीक्षा की। राजेंद्र सिंह, सुरेश पचौरी, अरुण भनोट मौजूद रहे। दो अलग अलग वचन पत्र बनाने को लेकर चर्चा की गई है। महिलाओं के लिए कांग्रेस अलग से वचन पत्र लाएगी, ये हालांकि पहले ही कांग्रेस की तरफ से कहा गया था। महिलाओं के लिए अलग से वचन पत्र कांग्रेस लेकर आएगी। जिला प्रभारियों और संगठन मंत्रियों की बैठक ले रहे हैं कमलनाथ। बूथ प्रबंधन और मतदाता सूची का पुनरीक्षण कार्यशाला। जिलाध्यक्ष, जिला प्रभारी और सह प्रभारी इस बैठक में मौजूद है। भोपाल से खबर आपको बता रहे हैं, कमलनाथ ने वचन पत्र समिति की बैठक ली है, अपने निवास पर सदस्यों के साथ समीक्षा कर रहे हैं। राजेंद्र सिंह, सुरेश पचौरी, तरुण भनोट बैठक में मौजूद हैं। दो अलग अलग वचन पत्र बनाने को लेकर चर्चा की जा रही है, क्योंकि कांग्रेस महिलाओं के लिए अलग से वचन पत्र लेकर आएगी। जिला प्रभारी और संगठन मंत्रियों की बैठक ले रहे हैं इस वक्त कमलनाथ। भोपाल से खबर, कमलनाथ ने वचन पत्र समिति की बैठक ली है, अपने निवास पर सदस्यों के साथ समीक्षा की है। राजेंद्र सिंह और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता दुष्यंत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दुष्यंत जी, कमलनाथ ने वचन पत्र समिति की बैठक ली है, क्या कुछ अपडेट? देखिए पूनम, मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ लगातार बैठकें जो है अलग अलग प्रकोष्ठों की अलग अलग समितियों की ले रहे हैं। सुबह अपने निवास पर उन्होंने वचन पत्र समिति की बैठक ली, जिसमें वचन पत्र समिति के अध्यक्ष और पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष राजेंद्र शामिल हुए। साथ ही साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी और तरुण भनोट के साथ साथ तमाम सारे पदाधिकारी इस बैठक में शामिल हुए। इस पर ये जिस तरीके से लगातार पिछली बार जब ये बैठक हुई थी उस दौरान ये बात सामने आई थी, महिलाओं के लिए एक अलग से वचन पत्र जो है वो कांग्रेस बनाने जा रही है। तो 2023 में कांग्रेस जो है वो दो वचन पत्र लाने जा रही है और उसको लेकर पूरी तैयारी जो है अलग अलग तरीके से की जा रही है। जमीनी स्तर पर किस तरीके से महिलाओं के जो समस्याएं हैं, महिलाओं के जो मुद्दे हैं उनको इस वचन पत्र में शामिल किया जाए उसको लेकर चर्चा हुई है। उसके बाद लगातार कोशिश ये भी की गई है कि जो वचन पत्र मुख्य वचन पत्र कांग्रेस तैयार कर रही है उसमें ऐसे कौन कौन से मुद्दे हों जिसको लेकर कांग्रेस जो है वो तैयारी कर सके और कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो अभी संज्ञान में नहीं आए तो उन पर भी चर्चा जो है इस बैठक में की गई। वहीं इसके बाद एक दूसरी बैठक जो है वो जिला अध्यक्षों की, जिला प्रभारियों की, जिला संगठन मंत्रियों की और सह प्रभारियों की बैठक कांग्रेस कार्यालय में आयोजित की गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ भी इसमें शामिल हुए हैं और जिस तरीके से लगातार तमाम सारे पदाधिकारियों को यहाँ पर प्रशिक्षित भी किया जा रहा है कि मतदाता सूची को किस तरीके से सुदृढ़ किया जाए और मतदाता सूची में किस तरीके से हर एक व्यक्ति को उससे संपर्क किया जा सके ताकि जो मतदाता सूची हो वो ओरिजिनल तरीके से बनाई जा सके और सही मतदाता सूची होगी तो उसका सीधे तौर पर फायदा कांग्रेस को मिलेगा और इसी को लेकर प्रशिक्षण भी यहाँ पर कार्यशाला के तौर पर दिया जा रहा है और जो कार्यशाला है वो लगातार आउट की जा रही है। जी शुक्रिया दुष्यंत जी इस तमाम जानकारी को साथ।